नमस्कार। अनसंग वॉरियर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कवर करेंगे लेफ्टिनेंट जानकी थेवार के बारे में। पहले तो ये नाम जिसने भी सुना है उसे मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, और जिसने ये नाम नहीं सुना है तो आप कोई अनकॉमन नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा। अब दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में हमने बहुत सुना होगा और हम जानते भी हैं, और वो लेजेंड है। लेकिन उसी फौज में एक रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट थी, ये हम लोगों को बहुत कम पता है और कुछ लोगों को पता भी है। लेकिन जब इस रेजिमेंट के बारे में लोगों को कम पता है तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज और ऑर्डिनरी वुमन के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारनामे थे उनके बारे में तो बहुत कम ही पता होगा, और ये ऑल फीमेल रेजिमेंट था। दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक स्टोरी को कवर करेंगे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जानकी थेवार। आई एम श्योर ये वीडियो एंड होते होते आप बहुत मोटिवेटेड और प्राउड फील करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी वुमेन्स ने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिया के आज़ादी के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरचरित में। दोस्तों, आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और वीरचरित के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं कि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, ये शुरुआत होती है इस कहानी की, सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, उसके बाद फिर जब वो डिनाई करने लगे कि ये प्रोसेस से हमें नहीं मिलेगा आज़ादी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाना चाहिए, और उसके लिए वो मदद के लिए बहुत लोगों के पास गए थे। वो हिटलर के पास भी गए थे, स्टालिन के पास भी, लेकिन अल्टीमेटली मदद किया था ज़्यादातर जापान ने, और जो पहले से इंडियन नेशनल आर्मी का एक छोटा सा यूनिट बना हुआ था, और जो प्रिजनर्स ऑफ वार्स थे सिंगापुर में जितने भी बंद हैं उनके साथ मिलके सुभाष चंद्र बोस फॉर्म करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को। और ये ऐतिहासिक स्पीच डिलीवरमेंट था जब 60,000 लोगों के आगे सुभाष चंद्र बोस, दोस्तों सुभाष चंद्र बोस उन एक बहुत ही गजब के ऑरेटर थे, और उनका जो पर्सनालिटी था वो भी बहुत शानदार था, लोग खींचे चले आते थे उनके तरफ। और इन्होंने जब 60,000 लोगों के सामने स्पीच दिया था, बहुत ही ज़्यादा लोग मोटिवेटेड हुए थे, और एस्पेशली गर्ल्स, वहाँ पे जो औरतें प्रेजेंट थी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील की थी। और उसके बाद ही उन्होंने अप्रोच किया था, और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो यहाँ आपको बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, इनके नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट बाद में बनाया गया था। दोस्तों, आज उन्हीं झांसी के राजी रेजिमेंट से हम एक रानी के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामों के बारे में, और इनका नाम है जानकी थेवार। जब सुभाष चंद्र बोस ये स्पीच दे रहे थे, दोस्तों इस स्पीच का मेन मोटिव था वहाँ पे जाके फंड्स और वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना इंडियन नेशनल आर्मी के लिए। तब उस 60,000 के गैदरिंग में एक 16 साल की लड़की भी थी। जी हाँ, उस समय जानकी थेवार मात्र 16 साल की लड़की थी, और जब सुभाष चंद्र बोस कैरिस्मेटिक लीडर ने अपना स्पीच दिया था कि हमें हथियार उठा लेने चाहिए ब्रिटिश राज के खिलाफ, तब ये यंग गर्ल जानकी थेवार, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश भर गया था, और ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लगी थी कि वो भी कॉज बन सकती है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। जानकी ने तुरंत ही सबसे पहला काम क्या किया, जो उनके गहने थे और जो आसपास के औरतों के गहने भी थे, बहुत लोगों ने अपने गहने डोनेट कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, फ्रीडम स्ट्रगल में छोटे छोटे ऐसे जो सेक्रीफाइसेस थे वो अक्सर अनसुने और अनकहे रह जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस ही बाद में जाके बहुत बड़े बनते हैं, और इंडिया को फ्रीडम मिलता है। और इस फ्रीडम के लिए हम बहुत ही गिने चुने लोगों को इसका क्रेडिट देने लगते हैं, लेकिन जो बहुत से लोग हैं वो इस इतिहास में कहीं अनसुने रह जाते हैं। अब जानकी ने जैसे बताया कि वो ज्वाइन करने वाली है इंडियन नेशनल आर्मी को, तो वो एक वेल टू डू तमिल फैमिली से थी जो ब्रिटिश मलाया में रहते थे। मलाया मीन्स मलेशिया।
अब ये जब उन्होंने अनाउंस किया तो फैमिली में तो बहुत ज़्यादा रोष होना ही था, सब गुस्सा हो गए कि आपको नहीं जाने देना है। लेकिन इनके अंदर इतना डीपली पेट्रियोटिज्म घुस चुका था कि वो जाना चाहती थी, और ना मानते हुए भी इनके फादर ने बाद में साइन किया। अब रानी झांसी रेजिमेंट में एक रूल था कि आप अगर अनमैरिड हैं तो आपके फादर से एक फॉर्म साइन करके लाना पड़ेगा, या फिर आप मैरिड हैं तो आपको अपने हस्बैंड से फॉर्म साइन करके लाना पड़ेगा। दोस्तों उस रेजिमेंट में 500 रानियां थी, और ये ऐतिहासिक पिक्चर आप देख सकते हैं जहां सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन लक्ष्मी सहगल इंस्पेक्शन करती हुई, और हमारी 500 रानियां रेडी हैं दुश्मन पे अटैक करने के लिए। और दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि छोटी मोटी आर्मी थी, उनके पास प्रॉपर हर एक चीज इक्विपमेंट थे, भले ही वो फंडेड कोई दूसरा गवर्नमेंट कर रहा हो लेकिन वो एक प्रॉपर आर्मी थी। अब इनको लीड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, और कैप्टन लक्ष्मी सहगल के अंडर ही इनका ट्रेनिंग भी हो रहा था। तो ट्रेनिंग ऐसा नहीं था कि ये वुमेन्स रेजिमेंट थी तो इनकी ट्रेनिंग बहुत ईजी हुई थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जो ट्रेनिंग थी वो इक्वली टफ थी, और नाइट मार्चेस, चार्जिंग, टैक्टिकल कॉम्बैट, वेपन स्किल्स और राइफल्स चलाना, मशीन गन्स, ग्रेनेड, सब कुछ सिखाया गया था। और ये बहुत ही टफ था, क्यों? क्योंकि जितने भी ज़्यादातर लड़कियाँ आई हुई थी वो मिडिल क्लास फैमिली से थी, क्योंकि उन्होंने डोनेशन दिया था ना, तो डोनेशन, आप गरीब होंगे तो आप गरीब तो डोनेशन इतना नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने डोनेशन दिया था, अपने सारे जेवरात दे दिए थे इंडिया के फ्रीडम के लिए, तो इनके लिए इतना इजी नहीं था। और आप यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेडी कैरेट पिस्टल चलाना सीख रही है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो बाकी कैरेट्स हैं वो राइफल्स के साथ खड़ी हैं। अब जब ये लड़कियाँ घर छोड़ के आई थी तो इन्हें बहुत अच्छे से पता था कि इनके घर लौटने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कंट्री के लिबरेशन और फ्रीडम के लिए ये कितने हंसती हुई दिखाई दे रही है, और ये पिक्स कितने मोटिवेटिंग हैं कि इनके चेहरे पे थोड़ा भी सिकन या फिर थोड़ी भी टेंशन नहीं है कि हम शायद वापस घर ना लौटें, लेकिन देश को आज़ाद कराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ एक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं जो जानकी थेवार ने लिखा था एक मलयालम न्यूज़पेपर के लिए, वी मे बी सॉफ्टर एंड फेयरर सेक्स बट श्योरली आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्ड वीक। ऑल सॉर्ट्स ऑफ एपिथेट्स हैव बीन गिवन टू अस बाय मैन टू गार्ड हिज ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। इट इज टाइम वी शैटर्ड दिस चेन्स ऑफ मैन अलॉन्ग विद द चेन ऑफ इंडियन स्लेव। वुमन एम्पावरमेंट को भी जानकी बहुत जोर शोर से उठाती थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में वो जो वीकर टर्म यूज़ करते हैं, हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, आज भी है वुमेन्स के लिए, उसके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थी। और वो ये भी बोलती थी कि इंडिया का जो स्लेवरी है उसे हटाना तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे दिमाग में हम अपने ट्रेडिशनल जो गलत चीज़ें हैं उनकी हम स्लेव हो गए हैं, उसे हटाना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब बर्मा में अटैक किया था इंडियन नेशनल आर्मी ने और जापान ने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तब जापान के जो सोल्जर्स थे वो आउट नंबर हो रहे थे। हाँ पहले वो जीतते जा रहे थे, लेकिन थोड़े दिनों ही बाद उसके बाद फिर हमारे सोल्जर्स और जापान के सोल्जर्स भी वहाँ से हारने लगे थे, लेकिन हम इम्फाल में घुस चुके थे तब तक, इम्फाल में हमने फतह कायम कर ली थी। लेकिन वहाँ पे जो म्यांमार रीजन था वहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और जो रेजिमेंट्स के लोग थे और मेल जो थे वो भी वहाँ से छोड़ के आने लगे थे क्योंकि रिट्रीट का ऑर्डर हो गया था। लेकिन रानी झांसी रेजिमेंट जो थी वो अपने जगह से टस से मस नहीं हुई थी, और वो वहाँ पे डटी हुई थी। और ये बाद में रेवलेशन हुआ था जब इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स और ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स ने भी बाद में ये बताया था इंडिपेंडेंस के बाद में। अब जब वहाँ पे सोल्जर्स आगे फ्रंट में जाया करते थे और झांसी रानी रेजिमेंट को फर्स्ट वहाँ कॉम्बैट फोर्सेस में जाने नहीं दिया गया था, तब सुभाष चंद्र बोस के साथ लेफ्टिनेंट जानकी
वो हमेशा जंगलों के बीच से जाती थी और जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उन्हें वापस लेके आती थी। और उस समय इन्हें चीफ भी बनाया गया था बर्मा रेजिमेंट ऑफ रानी झांसी, क्योंकि लक्ष्मी सहगल वो डॉक्टर भी थी, इसीलिए उन्हें जो मेडिकल टीम थी उसका हेड भी बना दिया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक एपिक पिक है जहाँ झांसी रानी, उनकी जो रियल झांसी की रानी है, उनके पिक के साथ हमारी दूसरी रियल झांसी की रानियाँ बैठी हुई हैं और यहाँ पे ये फ्लैग मार्च करते हुए आगे बढ़ती हुई। और ये लोग कभी पीछे तो हटे नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ जब तक इंडियन नेशनल आर्मी डिसबैंड नहीं हुआ था, अब 1946 के अराउंड इंडियन नेशनल आर्मी डिसबैंड हो गया था, और 1945 में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहा जाता है, ये कभी प्रूफ नहीं हुआ सुभाष चंद्र बोस के डेथ के बारे में। और आपको ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है तो आप जो बुक्स है उसे पढ़ सकते हैं, और मूवीज सुभाष चंद्र बोस के बारे में बनी हुई है, और साथ ही साथ द टस्कन फाइल्स वो भी आप देख सकते हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा माना जाने लगा था इंडिया में, और जब ट्रायल हुआ था, जब फेमस ट्रायल था दिल्ली का, 3 सोल्जर्स के खिलाफ हो रहा था, उसमें भी आपको पता है कि पूरे कंट्री में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रोष उमड़ पड़ा था। और क्लेमेंट एटली जो 1956 में इंडिया आए थे जब वापस, उन्हें पूछा गया था कि आपने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जीत गया था, तो आपने इंडिया को फ्रीडम क्यों दे दिया था, क्या आप महात्मा गांधी से इतना डर गए थे? तो क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था ब्रिटेन के, उन्होंने कहा था नहीं, सुभाष चंद्र बोस के कारण। क्यों? सुभाष चंद्र बोस की जब डेथ की न्यूज़ आई थी उसके बाद पूरे कंट्री के जो नेवी थे, एयरफोर्स में, हर जगह रोष उमड़ पड़ा था और ब्रिटिशर्स को जान भगा के जाना पड़ा था, क्योंकि उन्हें ये लगा था एक रेस्पेक्टेबल वे में फ्रीडम देके जाना ज़्यादा बेहतर है, ना कि रायट्स में मरना। इंडियन नेशनल आर्मी जब डिसबैंड हो गया था उसके बाद वो मलेशिया में ही थी, और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मलेशिया में मेडिकल टीम थी उसके कामों से, और उसी के साथ वो लगी रही, और जो ह्यूमैनिटी के लिए कॉजेस थी उसके लिए वो हमेशा एक्टिव रही। 1948 में वे अथीन अथप्पन से मिलते हैं, वो एडिटर कम पब्लिशर थे एक मलयालम तमिल डेली न्यूज़पेपर निसान के, उनके साथ उनकी शादी होती है, और उसके बाद वो लगातार सोशल वेलफेयर के रोल्स में वहाँ रहती है, और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस भी खोली थी जैसे कि गर्ल गाइड एसोसिएशन, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, और अपर हाउस जो मलेशिया का है, नेगारा जिसे हम कहते हैं, डेवन नेगारा, उसमें भी उन्हें प्रमोट किया गया था, और उन्हें ढेर सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, और जानकी, लेफ्टिनेंट जानकी फर्स्ट वुमन थी इंडियन ओरिजिन की जो इंडिया के बाहर रहती थी, उसके बावजूद भी उन्हें इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट टाइटल पद्मश्री मिला था। दोस्तों, इतने रिवर्ड पर्सन के बारे में हम बहुत ही कम जानते थे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में इनका मेंशन बहुत कम है, और इंडियन नेशनल आर्मी का भी मेंशन आपको कम ही मिलेगा, लेकिन हमें इनके बारे में जानना चाहिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ वीर चरित्र के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अनसंग वॉरियर्स की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आपसे एक सजेशन चाहिए था कि आपको ऐसे पिक्चर फॉर्मेट में वीडियोस चाहिए या फिर आपको रिटन फॉर्मेट में, आप कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।